तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्रदर यूट्यूब चैनल 57। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय, दिस इज विष्णु 57 यूट्यूब चैनल। उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, और मैं उसकी सिस्टर बोल रही हूँ, तो आप मुझे जानते ही होंगे। तो गाइज, शाम का टाइम है, अभी मैं बालकोनी में लग रही थी, पर ये हमेशा मुझे डिस्टर्ब करता है। हमेशा मैं कुछ मेरा काम कर रही थी, पर इसको ना हमेशा मेरे साथ ऐसे कुछ ना कुछ मतलब चिटिंग करता रहेगा। तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है। अरे मैं काम कर रही हूँ भाई, ये खड़ा देखो। और गाइस है ना, इसको ना बहुत दुख होता है जब, है ना, बता दो जब मैं इसको इसके बारे की बात बोलती हूँ ना, जैसे यूट्यूब पे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और इसके बारे में कोई भी बात बोलती हूँ, इसको ऐसा लगता है क्यों बताती है मेरी सच्चाई। भाई सच्चाई होगी ना। और गाइज, आज मैंने लहंगे लुगड़ी डाल रखे हैं क्योंकि मुझे दो चार रील शूट करनी थी। और अभी मेरे पेड़ों को मैं कुछ कर रही थी, देखो कितने सुंदर हो गए ना बाहर रखने से। विष्णु बता, नहीं हुए क्या है? मुझे भी ये पेंटिंग इतना प्यारा लग रहा है, ये तो अच्छा ही है। ये कुछ ना कुछ डालिया, सूख गई है ना, सर्दियों में चली गई। और ये किसका पेड़ है मुझे नहीं पता, ऐसे दाव मार गया, दाव मार गया। तो गाइस अभी ना चाय वाय पीती, तू चाय पी लेना, मैं बना कर रखा है ठंडी चाय, बिल्कुल तू गरम कर ले। तो मैं पी गई एक सांस में पट। तो गाइस आपको ना एक बात बोलती हूँ मैं, कि जैसे ये डेली ब्लॉग तो भाई इतनी सी तो मेरी मान ही गया बात को, मेरे को पता था कि वो भाई मेरा ही है, मान जाएगा मेरी बात को। अच्छा। तो डेली ब्लॉग तो ये देने लग गया ना, जैसे अब इसको प्यार सपोर्टर भाई धीरे, देखो कोई भी चीज अगर हम लेते हैं ना तो नीचे से ऊपर आती है धीरे धीरे धीरे, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक दिन में तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई इतने व्यूज आ जाए, इतने नहीं, पर ना इसको बहुत अच्छा सा प्यार सपोर्ट मिल रहा है। और गाइज मैं आपको बताती हूँ, इसकी जो फेसबुक आईडी है उस पर तो बहुत अच्छा सपोर्ट, सबका मतलब इतना प्यार सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है ना, कि सबको ना जैसे मेरी और विष्णु की कोई भी कंटेंट सोच के हम कोई भी रील पोस्ट करते हैं ना, तुरंत ही वो तो वायरल जाती है, अच्छी जाती है, अच्छी चलती है, मिलियनों में बहुत अच्छी चलती है। तो ना हम मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो आप दो, मतलब दोनों बहन भाई। वैसे देखो हम तो मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी सपोर्ट करना तो आप ही के हाथ में है, तो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो। और गाइज है ना, और गाइज 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 और गाइज मैं बताऊं, पहले तो ये बताए ड्रेस क्यों पहनी आज ये वाली? मैंने मेरे को रील शूट करनी थी गाइज ना, दिन भर ये रील शूट करती है, काम धंधा कुछ नहीं। चुप रहे, तू करता है मेरा काम है ना, मैं छत पर कपड़ा पड़ा, तू ऊपर सुहा गया तो सारा ना? सारे काम को मैं और जीजू करते हैं। तो बेचारा वो ड्यूटी नहीं भालेंगे ना, मैं तो गाइज रोटी मैं बनाता हूँ, बर्तन वो साफ कर देते हैं। चुप रहे, झूठा नाम लगा रहा, बदनाम कर रहा है मुझे भी। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ना, फालतू का काम, इन पौधों को इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर, इधर से उठा के उधर, यही है ना। इतनी सफाई भी नहीं देखेंगे फिर, मेरी बालकोनी में बता कितनी क्लीन है, कचरा दे ये रहा ना। तो ये रहा, देख कचरा देख, देख। तो गाइस अब खाना बनाऊंगी, और ना विष्णु को मतलब मैं तो यही कहती हूँ भाई, इसको अच्छे से आप सपोर्ट करो, और हम आगे बढ़ते रहेंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहेंगे आपके लिए। और जैसे इसके फेसबुक पे 2 लाख कंप्लीट होने पे भाई, हमें एक दिमाग में आइडिया आया कि हम केक वेक वो सब काटना, ये सारे ड्रामे तो हमसे नहीं होते। फिर मैं बोली केक तो देखो मेरे बच्चे खाते भी नहीं है, और मैं बोली 250-300-400 रुपये का तुम केक खराब करोगे, उससे अच्छा तो भाई किसी मतलब एक होता है ना कि काफी, देखो मैं ये नहीं बोलूंगी आपको कि भाई गरीब लोग है, गरीब तो देखो कहते हैं ना गरीब तो गधा होता है, गरीब कोई भी नहीं है, इंसान है, चार हाथ फिर दिए उनको, दो हाथ मतलब मजबूरी हो जाती है, दो हाथ, लेकिन उनकी कई मजबूरियां ऐसी हो जाती है कि आज हम है ना, हम पढ़े लिखे हो के भी हमें रोजगार नहीं मिलता, ये फैक्ट है बात है। कि मैं मतलब आपको मैं बताऊँ, मैंने एसटीसी सब कुछ कर रखी है, खूब बीए कंप्लीट है मेरी, इंग्लिश लिटरेचर से मैंने बीए करी, सब कुछ है, लेकिन फिर भी फैक्ट है कि मैं नहीं, मुझे कहीं ना कहीं बंदा अटक जाता है, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी होती है जो नहीं कर पाते। तो ना फिर हम गए थे, आज तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि हम किधर जाएँ, का पर स्टेशन की साइड गए थे ना, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे मिले, वो खुश भी हुए भाई, देखो गरम गरम निकला के लेके गए थे तो वो बहुत खुश हुए। तो मुझे भी, मेरे को विष्णु को उन चीज़ों में खुशी भी हुई कि ऐसे करना चाहिए।
पैसे मत दो, पैसे के लिए नहीं बोलते लेकिन खाने पीने की चीजें तो देखो। नहीं गाइस उसमें ये भी है ना उनकी मतलब देखिए खुशी भी हुई हो और हाँ। मैंने बात उनको समोसा भी दिया हमने तो हमें भी खुशी हुई और हाँ। उन लोगों को भी खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा यार मतलब है ना ऐसे प्यार से बातें कर रहे थे। पहले हेल्प थी अगर हाँ। जैसे छोटी मोटी तो कभी कर दिए होंगे लेकिन जैसे आज तो आज ऐसे मतलब किसी को हाँ। जाके समोसा ये चीज खिलाना मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था हमें मतलब अच्छा फील हुआ पर आज ऐसे यार था कोई लेगा नहीं ले हमसे एक ने मना भी किया था फिर वो नहीं उसको ऐसा लगा पता नहीं क्यों बोल रहे हैं ये फिर उसको मैंने बोला कि हम समोसा देने आए हैं तो चाहिए फिर जीजू ने बोला तो वो फिर हाँ चल दे दो जैसे कि देखो खुद को भी खुशी मिलती है और भाई कई भाई ये भी बोलेंगे कि आप तो वीडियो के चक्कर में तो भाई देखो पहले बता दो आपको मैं तो ये बोलता हूँ चाहे वीडियो बनाओ चाहे मत बनाओ लेकिन आप हेल्प जरूर करें भाई आप हेल्प कर रहे हो उसका वीडियो बनाओ बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि उसको देख के कहीं दूसरे के माइंड में भी ये चीज़ आएगी कि यार चल मैं भी करता हूँ किसी की हेल्प तो ये वीडियो बनाना गलत भी नहीं है तो ये सही भी नहीं है मेरे हिसाब से तो ये जैसे सोचे वही लगता है जो गलत सोचेगा उसको गलत लगेगा तो सही सोच नजरिया है तुम क्या किस नजरिए से देख रहे हो हम किस नजरिए और किस नजरिए से वो चीज है हमने ये कोई दिखावा घमंड पैसा देखो पैसा तो हमारे पास भी आपको मैं हम तो खुद ही मिडिल क्लास फैमिली है ऐसा कुछ भी नहीं है आज मैं मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब है ठीक है मानते अच्छे है ठीक है पैसे वाले जो भी है भाई ये मेरे तीन भाई है मेरे हस्बैंड वो तीनों को लेकिन है ना अपने पिछले दिन याद करने चाहिए जैसे मेरे पापा के घर पे हम पहले किस हिसाब से रहते थे कैसे रहे क्या था क्या नहीं था आज मेरे पापा के घर में भी बहुत कुछ हो गया भगवान की दया से अच्छा ठीक ठाक है लेकिन कुछ टाइम हमारा ऐसा आया था वो हमारे अमीरी गरीबी नहीं थी वो सिर्फ हमारा दिन थे हमारे कहते ना भाग्य में वो चीज लिखी हुई थी कि हमें वो तीन चार साल का दुख इतना भयंकर वाला मिला जो कभी हम आपको नहीं बता सकते हम खुद फील कर सकते कोई समझ नहीं सकता कि हमने कितना दुख झेला है ये बहुत छोटा था उस टाइम पर बहुत छोटा था छठी क्लास में था मैं हाँ बहुत छोटा था मैं टेंथ में थी उस टाइम पे लेकिन इतना कहते ना इतना दुखों का पहाड़ इतना टूटा था ना हमारी फैमिली के ऊपर जो शायद ही मैं कहती हूँ ना बहुत कम लोगों के पास है और शायद मेरे गाँव के लोग देखते होंगे ना तो उनको भी पता होगा कि हाँ हमारा तो गाँव छूट गया था हम ऐसी स्थिति से निकले हुए हैं ऐसा कोई घमंड कोई कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में हम जो बनाते हैं वो फैक्ट है जो बोलते हैं वो सच है कोई झूठ और ये सब नहीं है गाइज मेरा तो देखो सपना यही है अगर इस चीज में अगर मैं आगे जाता हूँ जैसे फेसबुक में मुझे अच्छा सपोर्ट मिला आप लोगों का यूट्यूब पे मैं कुछ करता हूँ अच्छे पैसे कमाता हूँ तो सच बता रहा हूँ अगर मेरी जरूरतें पूरी मतलब जैसे मेरे ड्रीम पूरे हो गए ना मुझे बस एक नॉर्मल चाहिए मुझे बस एक हाँ भाई मेरा गुजारा हो जाएगा उसके अलावा बाकी हेल्प मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा कभी भी ये सच बता रहा हूँ आज आपके सामने बोल रहा हूँ इस वीडियो को चाहे आप सेव कर लेना अगर कभी मैं आगे गया भी अगर इस चीज़ में सक्सेस हो गया आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो मैं तो मतलब हो जाऊंगा सक्सेस तो मुझे लगता है ना देखो गाइस है ना एक तो होता है ना मेरी तो ऐसी आत्मा है हमारी मेरी नहीं मेरे परिवार की जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग होता है ना बुढ़ा आदमी उसको देख कर तो मुझे हमेशा रोना ही आता भाई कैसे हो वो बेचारा बड़ा आदमी है मतलब मैं कहीं भी बैठा हुआ भी देख लेती हूँ ना जैसे बाजार में सिटी में कहीं भी बेचारों जाने डुलगो या पतों को ने क्यों बैठे क्या मतलब मेरे दिमाग में कई ख्याल आ जाते हैं उसके क्योंकि भाई हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग थे मेरे दादा भी थे तो गाइस ये सारी बातें खत्म करते हैं और आपको बताऊं भाई आप प्यार सपोर्ट बनाए रखना अगर लाइफ में कहीं कुछ अच्छा कर लेंगे ना तो लोगों की मदद के लिए पीछे नहीं कभी नहीं हटेंगे मतलब मदद के लिए हमेशा आगे आएंगे और जितनी होगी उतनी मदद भी करेंगे लोगों की और भाई बस यही बस लास्ट बात आपको ये बोलना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और बाकी भाई सपोर्ट चाहिए बस आप लोगों का और कुछ नहीं थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए बताया करो कि मेरी और इसकी वीडियो आपको कैसी लगती कमेंट करके जरूर बताओ और गाइस एक लास्ट बात बताओ यार मेरा गोवा जाने का प्लान है 20 तारीख को मेरे बुआ जी का लड़का है बॉम्बे रहता है वो तो वो बोल रहा था कि तू आ जा मुंबई में बुला रहा है अभी तो मैं सोचूं अगर आप कमेंट करते हो तो आपको गोवा का सीन अगर देखना हो तो भाई चला जाऊंगा सच में 20 तारीख को मैं गोवा पहुंच जाऊंगा लगभग अगर आप कमेंट करते हो तो मैं चला जाऊंगा बाकी मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं है गाइस मत करना कमेंट अगर आप कमेंट करोगे तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से फिर गोवा का सीन चार पाँच दिन गोवा का सीन दिखा के फिर आ जाऊंगा देखना आपको अगर गोवा का सीन देखना है तो भाई यार कमेंट कर देना और बता देना मैं चला जाऊंगा ओके बाय बाय थैंक यू सो मच।